हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं आ रहा था कि मैं सहरी में क्या बनाऊँ। दाल चावल तो हमने बनाए और रखे हुए हैं, लेकिन मुझे अभी समझ आया है, मतलब एक आइडिया है कि भाई हम लोग बनाते हैं आलू की टिक्कियाँ। तो मैंने आलू को काट के बॉयल नहीं किया ताकि जल्दी बॉयल हो जाए। यहाँ मैंने सारे प्याज धनिया हरी मिर्ची काट ली है, ये बॉल रखा है, इसके अंदर हम लोग बनाएंगे सारा बैटर। आलू बॉयल होते हैं तब तक हम लोग अपनी तहज्जुद पढ़ लेते हैं। A few moments later. गाइस, हमारे आलू बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुके थे, अब इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ये सब चीजें ऐड करते हैं। गाइस देखिए, मैंने इसमें सारी स्पाइसेस ऐड कर ली है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसके टिक्के बना लेती हूँ। अब मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो अब हम इसको फ्राई भी कर लेते हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। One eternity later. ये मैंने तीन कबाब बनाए हैं जो मुझसे टूट चुके हैं, और यहाँ हमारे मैंने पराठे इन्हें पेड़ रखा हुआ है। अब हम लोग सफेद पराठे बनाएंगे सफेद आटे के, ताकि पराठे खाने का मजा आए। उसको अच्छे से पकाते हैं, तेल लगाते हैं, फिर आप उठकाते हैं फाइनल लुक। तो गाइस, आज मेरी मम्मा का ऑर्डर आया है कि जो ये ज्वेलरी है इसको सेट करनी है, कि मतलब किस तरह से रखी है। आपको खुद पता है कि ज्वेलरी कितनी महंगी हो चुकी है, अभी लेने जाओ तो कैसे करते हैं। तो गाइस, अब हम इसको अच्छे से सेट करते हैं, देखते हैं जरा खाली क्या हाल हो रहा है। तो इसको क्लीन करते हैं, और ये देखिए अमरीन का स्कूल का कार्ड, जी देखिए व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल, ये हमारे बचपन के, अब भी देखिए कैसे हो गया है, छोड़ दिया हमने। मैंने तो यहाँ पे नर्सरी से पढ़ा है और 8 में छोड़ा था, फिर 8 ने मैं दूसरे स्कूल में गई थी, अमरीन ने मेरे साथ पढ़ा था, अब हम उन्हें छोड़ दिया। लेकिन ये स्कूल भी अच्छा था, काफी यादगार था, मैं तो इसी स्कूल से ही पढ़ना सीखा था, बेस इस स्कूल से बनी थी मेरी। तो गाइस, मैं सब चीजें निकालते हैं, खाली हाल चेक करें कि हाल क्या हुआ भाई। ये देख रहे, हाल भी कोई नहीं, नाल भी कोई नहीं। चलें जी, अब हालिश इसको निकालती है, हम इसको अच्छे से सेट करते हैं। जिप लॉक वाले शॉपर ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन मतलब जो ये मेस मेस हो रहा है ना, इसको सारे को क्लीन करना है। गाइस, हम साफ कर रहे हैं फ्रिज, अभी आप फ्रिज की हालत देख सकते हैं कुछ इस तरह है। आपको फाइनल लुक के साथ भी दिखाते हैं। अब इस बार लाइन से सारी चीजें निकालती है, उसके बाद हम इसको साफ करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। सर्फ वाला पानी भी अलिशबा का बेस सभी से इंतजार कर रहा है कि अलिशबा जल्दी से हमें धोए इस पानी से। तो अब अलिशबा इसके अंदर सारे चीजें निकालती है, और फिर हम आपको दिखाते हैं अपने फ्रिज की फाइनल लुक। साफ करते वक्त भी इसको सब दिखाते हैं। पुदीना इनका फेवरेट है, मैं मुझे तंग कर रही हूँ, ये बहुत शरारती है, हमें तंग करते हैं, हम इनको तंग करेंगे। मुझे नहीं कौन याद कर रहा है, इच्छी आ रही है। चलो थोड़ा सा खा लो, उड़ गया उड़ के। और अलीशा भी क्लीन कर रही है फ्रिज की साइड वाले, और ये अलीशा ने पूरा क्लीन कर लिया है नीचे से भी और शाह ऊपर तक।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस हम लोग लेकर आ चुके हैं, आज हमने कुछ ज्यादा नहीं लिया, सिर्फ रोल समोसे लिए हैं और चीकू लिए हैं और हम लोग जाके अपने घर में इफ्तारी तैयार करते हैं। तो गाइस आज सिर्फ अलिशबा और मुझे रोजा है तो इस वजह से हमने थोड़े से फ्रूट चाट बनाई है और क्रीम ऐड कर दी है। मैं सोच रही हूँ कि इसमें हम लोग गर्मा और चीकू भी ऐड कर दें तो अब हम लोग इसको और अच्छे से बनाते हैं, लेकिन थोड़ी सी बनाएंगे ज्यादा वेस्ट हो जाती है। कल वाली भी इतनी मुश्किल से हम लोगों ने फिनिश की है तो अब इसलिए जल्दी से फ्रूट कट में इसमें और फ्रूट ऐड करते हैं और आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। A few moments later. तो गाइज ये है हमारा आज का दस्तरखान, रोल समोसे चावल और उसके साथ आलू चिकन का सालन, मीठे दही बड़े और ये फ्रूट चाट, ये खजूर पानी और ये है हमारा आज का फाइनल फाइनल दस्तरखान फिफ्थ रोजे का।